हेलो स्टूडेंट, मेरा सनोज क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है 1.3, जो आप लोग को बताऊंगा कोई भी अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले आप सिद्ध क्या करना, आपको एक अपरिमेय संख्या है तो आपको इसका अपोजिट मान लीजिए, उल्टा कि मान लीजिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो लिखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर मानने के बाद √5 इक्वल टू ए बाई बी लीजिएगा, जहां लिखिएगा आप लोग चूंकि ए और बी कोई सा अभाज्य संख्या है, कोई स ए और बी कोई अभाज्य संख्या है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको इससे और इसको इससे इंटू कीजिएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √5b। ठीक है, ए का मान कितना निकल गया, √5b। फिर क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्क कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क कर दीजिए तो ए का स्क्वायर इक्वल टू √5b का स्क्वायर, इसको वर्क कीजिए तो क्या आएगा, ए का ए स्क्वायर इक्वल टू रूट को फाइव से रूट फाइव से इंटू करेंगे तो 5 और बी का बी स्क्वायर, तो गुना से कौन जाएगा, गुने किसके पास है, इसके पास है ना 5 है, तो गुना से गया 5, तो यहाँ पर लिखिएगा गुना से गया 5 में, कौन आ जाएगा 5 में, तो यहाँ लिखिएगा ए स्क्वायर कोमा 5 से विभाजित है, इसीलिए प्रमेय 1.3 से ए कोमा 5 को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखने के बाद a बराबर क्या ले लीजिएगा, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो 5 लेकर के आप a और b तक ले चुके हैं, अब c ले लीजिएगा, जहाँ c अब क्या हो जाएगा, कोई पूर्णांक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट कीजिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू a बराबर 5c है, तो यहाँ पर लिखिएगा 5c, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, फिर इक्वल टू के बाद क्या है 5b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और सी का सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 5b स्क्वायर। तो 5 का टेबल काटिए 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5c² = b²। अब देखिए यहाँ गुना है, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 है तो भागम कौन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो फिर लिखिए b² 5 से विभाजित है, इसीलिए प्रमेय 1.3 के द्वारा 5b 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसको समझने के लिए आपको बताए थे। अब यहाँ पे लिखिएगा ए के पास भी 5 गुणनखंड है, बी के पास भी 5 गुणनखंड है, तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, चूंकि ए और बी के पास 5 गुणनखंड है, खंड है जो परिमेय संख्या होगा, जो प्रमेय संख्या परिमेय संख्या है, ए और बी के पास 5 गुणनखंड है जो परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय
संख्या हो सकता है जो विरोधाभास है, जो विरोधा जो विरोधाभास है, इसलिए रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन आगे क्या बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। तो अब क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, सिद्ध करें कि 3+2 रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या? तो फिर उसी प्रकार आप फिर विपरीत मान लीजिए, माना कि 3+2 रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या है, इसको परिमेय संख्या लेने के बाद फिर क्या कीजिएगा, 3+2 रूट फाइव इजकल टू ए बाई बी ले लीजिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा, जहाँ चूंकि ए और बी कोई सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ देखिए, एक परिमेय है तो दूसरा क्या है, अपरिमेय का जाति है, तो इसको जाति कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे अपरिमेय वाला छोड़ दिए, 2√5 इजकल टू ए बाई वी, ये प्लस है तो माइनस में आ गया 3। अब इसका भिन्न निकाल लीजिए, नहीं कुछ तो 1, 2√5 इजकल टू बी और 1 कैल्शियम, बी क्रॉस मल्टीफिकेशन करेंगे क्या देगा, ए माइनस 3b। अब देखिए, इसके पास अभी भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय को हटा दीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा अपरिमेय, तो गुना से क्या भागा, तो 2b हो जाएगा, तो a माइनस 3b बाई में 2b। हाँ, तो अब यहाँ पर लिखिए, चूँकि a माइनस 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट फाइव भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा जो क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए 3+2 रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तब क्वेश्चन हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अब की दे दिया क्या, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर इसी प्रकार मान लीजिए, माना कि 1/√2 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, विपरीत मानिए परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, हम a/b के रूप में लिखते हैं, तो 1/√2 इक्वल टू ए बाई क्या हो जाएगा, बी। फिर ब्रेकर करके लिखिए, चूंकि जहाँ क्या होगा, ए और बी कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ के लिखने के बाद फिर क्या कीजिए, परिमेय और अपरिमेय को यहाँ से हटाइए, क्योंकि इसके पास परिमेय भी है और अपरिमेय, तो इसको हटाने के लिए जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि ऊपर चल जाएगा √2 और इसको उल्टा करेंगे तो vy a हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि
ए और बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट टू भी परिमेय संख्या होगा, जो क्या हो जाएगा, विरोधाभास। ए और बी परिमेय संख्या है, इसलिए रूट टू भी परिमेय संख्या होगा, जो क्या है, विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, इसलिए वन बाई रूट टू एक अपरिमेय होगा। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर इसी तरह विपरीत मान लीजिए, माना कि 7√5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। फिर क्या कीजिएगा, इसको ए और बाई के रूप में लिखिए। तो 7√5 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ चूंकि ए और बी कोई सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय और अपरिमेय को अलग कीजिए। तो यहाँ पे गुना से सिर्फ क्या जा जाएगा, भागा जाएगा 7, तो यहाँ पर बच जाएगा √5 जो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो a बाई 7b, बस यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, चूँकि a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है तो परिमेय संख्या तो होगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखिए, सिद्ध करें कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर इसको अपोजिट उल्टा मान लीजिए, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको ए बाई बी के रूप में लिखिए। तो 6+√2 इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ लिखिए चूंकि ए और बी कोई स अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद फिर क्या कीजिए, यहाँ परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो दोनों को अलग कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू ए बाई में बी, ये प्लस से माइनस में 6। अब इसको भिन्न में निकाली या तो फिर नहीं निकाली, यहाँ तो फिर यहीं छोड़ दिए कोई। फिर यहाँ पे इसको लिखिए, चूंकि ए बाई बी माइनस 6 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए रूट टू भी परिमेय संख्या होगा। जो देखिए यहाँ पे ए बाई बी माइनस बी तो जानते हैं परिमेय संख्या है, यहाँ इक्वल टू होने के कारण, इक्वल टू मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर होना, इसलिए रूट टू भी परिमेय संख्या हो रहा। अगर इधर परिमेय है तो इधर क्या है, परिमेय, लेकिन इस सब मेरा क्या विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, इसलिए लिख दियो सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह आप लोग एग्जांपल में बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।